9 अप्रैल के करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसे आप अवश्य डाउनलोड करें। तो चलिए करंट अफेयर के सेशन में चलते हैं। पहला सवाल, किस राज्य में भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव समझौता गांव बना, किस राज्य में बना? तो जी हां, आपने एकदम सही पकड़ा, यह मणिपुर में बना हुआ है। थोड़े से इन इंफॉर्मेशन को जान लें, मणिपुर के जिले में फ्यंग करके एक गांव है जो भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव समझौता बन गया है। एक गांव को कार्बन पॉजिटिव टैग दिया गया है, इसके जो फ्यंग गांव है इसको कार्बन पॉजिटिव का टैग दिया गया है। मतलब यहां से जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, निकलता है, उससे कहीं ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का पृथकीकरण होता है, तो जीएचजी के संचय को यह धीमा करता है। तो ये हमारे देश में ये पहला गांव बना और पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। इसके लिए इसे कार्बन पॉजिटिव टैग भी दिया गया है। और जानिएगा कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से एक अति महत्वपूर्ण सवाल है। और ये जो जीएचजी कार्बन पॉजिटिव टैग जिसको मिलता है, बोला जाता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को वो कम करता है। तो ये फेंग गांव है, इसके बे चकपा समुदाय के अनुसूचित जाति का ये गांव है। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। हाल ही में कैनरा बैंक ने किसके साथ 2000 करोड़ रुपए के टर्म लोन समझौता किया, मतलब टर्म लोन के समझौते पेपर पे साइन किया? तो ये है एनटीपीसी, मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये एक महारत्न कंपनी है, यह राज्य द्वारा संचालित प्रमुख बिजली कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने कैनरा बैंक के साथ 2000 रुपए एकत्र करने के लिए एक टर्म लोन का समझौता किया है, जिसका उपयोग उसके पूंजीगत व्यय की वित्त पोषित करने के लिए किया जाएगा। ऋण में 15 वर्ष के लिए डोर टू डोर कार्यकाल है। इसका उपयोग एनटीपीसी के पूंजीगत व्यय का वित्त पोषण करने के लिए किया जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में के निम्न में से किसके साथ उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? जी हां, यह सीएसआईआर है और यह पहली बार नहीं है भारतीय नौसेना का इनके साथ रहता ही है। सीएसआईआर का फुल फॉर्म है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसमें है कि सीएसआईआर जो है इनके लिए बहुत सारे रिसर्च को करेगा। सीएसआई का को जो वित्त पोषण है वो भारतीय नौसेना करेगा। एक इंफॉर्मेशन यहां पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देखिए, सुनील लांबा जो है वो 23वें एडमिरल हैं नौसेना के, जो इस मई महीने में उनका रिटायरमेंट है, और करमवीर सिंह जो हैं उनके जगह पर प्रतिस्थापित होंगे, वे 24वें नौसेना प्रमुख होंगे। क्योंकि ये इस साल में मई में हो रहे हैं, तो इस साल में कहीं किसी न किसी सवाल क्वेश्चन पेपर पे ये नाम तो अवश्य पूछा जाएगा, हो सकता है ये आपके सवाल में ही आए। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। हाल ही में सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर और महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान किसने प्रदान किए? ये हाल ही में दिया गया है, ये नई दिल्ली में दिया गया है और इसे उपराष्ट्रपति जी ने दिया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति के सम्मान पत्र और नई दिल्ली में महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान प्रदान किए। सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर पुरस्कार 1958 से दिया जा रहा है। यह संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं के विद्वानों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया था। बाद में बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज को भी इसके अंदर ले लिया गया है। अब हम नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार किसे मिला? जी हां, इसे टाटा स्टील को मिला हुआ है, ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर 2019। जानेंगे कि स्टील इंडस्ट्री की दुनिया में यह 14वां ग्लोबल स्लैग सम्मेलन है, प्रदर्शनी होता है, उसके बाद इसके ऊपर कंपनी ऑफ द ईयर का घोषणा किया जाता है।
और ये आचेन जर्मनी में ये आयोजित किया गया था। ये सबसे बड़ा वैश्विक वार्षिक स्लैग इवेंट में से एक है जिसमें प्रमुख स्टील निर्माता, स्टील मिल सेवा प्रदाता और संबंधित कंपनियां शामिल होते हैं। टाटा स्टील को यह पुरस्कार टाटा बाय प्रोडक्ट स्लैग के लिए नए अनुप्रयोगों के विकास में अभिनव कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार स्थिरता और परिपत्र अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के प्रति टाटा स्टील की प्रतिबद्धता की वैश्विक मान्यता को दर्शाता है। एक चीज एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, श्री रतन नवल टाटा जो है या रतन टाटा जो है टाटा स्टील के जो है वो एमिरेट्स चेयरमैन के रूप में है। ये एक नया पद है, अब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जैसे बजाज में अब हो रहा है, राहुल बजाज अब वो भी एमिरेट्स चेयरमैन हो रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का किस हाउसिंग फाइनेंस के साथ विलय हुआ? ये आपका है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ विलय हुआ है। लक्ष्मी विलास बैंक जिसको LVB कहते हैं कि बोर्ड ने एक शेयर स्वैप सौदे के माध्यम से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ निजी क्षेत्र के ऋणदाता के विलय की मंजूरी दे दी है। विलय से इंडिया बुल्स को कम लागत वाली स्थिर निधियों तक पहुंचने और बैंकिंग में प्रवेश करने की मदद मिलेगी। इसमें दोनों को फायदा होने वाला है, लक्ष्मी विलास बैंक को इंडिया बुल्स के जिन जगहों पे वहां उनको रिच मिलेगा और इंडिया बुल्स को लक्ष्मी विलास बैंक जैसे साउथ में काफी स्ट्रांग है तो वहां पर इंडिया बुल्स की मतलब उनको कस्टमर्स का रिच मिलेगा। तो इस तरह की आजकल के जो है काफी ज्यादा विलय हो रहे हैं। अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत का GDP में कितने प्रतिशत की तेजी आने की संभावना व्यक्त किया है? देखो ये संभावना व्यक्त किया है 7.5% वर्ल्ड बैंक ने, जबकि आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 7.2% बोला हुआ है। तो ये तो एक संभावना है, ये फाइनल फिगर नहीं है। तो विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 19 और 20 में भारत की GDP वृद्धि में मामूली रूप से 7.5% की तेजी आने की संभावना है। यह निरंतर निवेश सुदृढ़ीकरण, विशेष रूप से निजी बेहतर निर्यात प्रदेश प्रदर्शन और लचीला उपभोग द्वारा प्रेरित है। विश्व बैंक ने विश्व बैंक की वसंत बैठक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आगे दक्षिण एशिया के अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 18-19 में वास्तविक GDP वृद्धि 7.2% अनुमानित है। तो इनका कहना है, चूंकि इनके पास तो ये अपने तरीके से करते हैं, तो इन्होंने बोला कि भैया देखो 18-19 में जो भी बोले मेरे हिसाब से भारत की जो है GDP ग्रोथ 7.2% है और ये नेक्स्ट ईयर जो 19 से 20 आने वाली है इसमें 7.5% थोड़ी सी ग्रोथ के साथ होगा। और विश्व बैंक के अध्यक्ष, देखिए इस नाम को याद रखना जरूरी है, डेविड मलपास हैं। मुख्यालय तो जानते हैं कि वाशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना जो है वर्ल्ड बैंक की 1944 में हुआ था। अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। हाल ही में बोफोर्स होविट्जर के डिजाइनों पर आधारित भारत के प्रथम स्वदेशी निर्मित किस तोप को भारतीय सेना में नियुक्त किया गया है? और यह है धनुष, जिसको हम कवर कर चुके हैं, यह गलती से M777 हो गया है, इसे आप सुधार लें प्लीज। ये आपका M777 नहीं है, ये आपका है धनुष है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। भारत की मारक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित धनुष तोप को भारतीय सेना में जबलपुर MP के आयुध निर्माण में आयोजित एक समारोह के दौरान सम्मिलित किया गया था। सेना ने ऐसी 110 अधिक तोपों को एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ऑर्डर दिया हुआ है। धनुष बंदूक प्रणाली बोफोर्स होविट्जर के डिजाइन पर आधारित है जिसे 1980 के दशक में सेना में शामिल किया गया था और यह K9 वज्र और M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर के बाद सेना में शामिल होने वाली तीसरे प्रकार की तोप होगी। तो मतलब ये जो बोफोर्स टाइप की जो तोप है ये K9 वज्र भी है, M777 है और तीसरी एडिशन जो आई है वो धनुष की आई है जो इस बार इसे
क्या कहते हैं इंडियन आर्मी में लिया गया है, और इसके मैं आगे भी इसको कवर पहले भी कवर कर चुका हूं कि सेना ने इसके लिए 110 तोप का ऑर्डर भी प्लेस किया हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। हाल ही में मोरक्को के साथ अफ्रीकन लायन 2019 संयुक्त युद्ध अभ्यास किस देश के साथ शुरू हुआ है? देखिए इसका नाम है अफ्रीकन लायन 2019। ये बेसिकली अमेरिका के साथ मोरक्को का शुरू हुआ है, इसमें भारत कहीं नहीं है, लेकिन ये अफ्रीकन लायन 2019 को चूंकि मोरक्को अभी थोड़े से न्यूज में है इसके लिए मैंने इसको कवर किया है। तो मोरक्को की राजधानी चलते चलते जान लेते हैं कि रबात है और मुद्रा जो है मोरक्कन दिरहम है। अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। भारत की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नामित किया गया है? ये ग्राहम रीड साहब हैं जिन्हें नामित किया गया है। हॉकी इंडिया ने ग्राहम रीड को भारत की पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य के रूप में कोच के रूप में नामित किया है। 54 वर्षीय ग्राहम रीड बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण में राष्ट्रीय शिविर के लिए शीघ्र ही टीम में शामिल होंगे। रीड के पास ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय टीम के डिफेंडर और मिडफील्डर के रूप में बेहतरीन करियर है और 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली टीम के वो हिस्सा भी थे। लेकिन एक बात तो यहां पे बोलना होगा कि भारत जो कभी मतलब हॉकी का जादूगर था, आज उसके कोच बाहर से आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। मलेशिया ओपन 2019 कहां पर आयोजित हुआ था? तो ये हम भी जानते हैं, ये मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पे ये आयोजित हुआ था। 2019 मलेशिया ओपन आधिकारिक तौर पे इसे सेलकॉम एक्जियाटा मलेशिया ओपन 2019 है। यह एक बैडमिंटन चैंपियनशिप है, टूर्नामेंट है जो मलेशिया के एक्जिटा एरिना में होता है। इसकी इनामी राशि जो है 7 लाख आपका यूएस डॉलर था। यह खेल कार्यक्रम मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था और यह खेल आपका समापन हो चुका है। तो इसके लिए इसके रिकॉर्ड्स को भी देख लेते हैं। देखिए इवेंट जो पुरुष एकल है उसमें लिंडन चीन की ये विजेता बने हैं, उप विजेता है चेन लोंग, ये दोनों ही चीन के हैं। महिला एकल जो है वो है ताइजू युंग, ये चीनी ताइपे की रहने वाली है, और उप विजेता जो है अकाने यामागुची हैं जो जापान के हैं। इसी तरह पुरुष डबल्स के हैं ली जुनहुई और लियू युचेन। यहां पर पुरुष डबल्स का जो है चीन और जापान के बीच में, ये खाली आप क्योंकि इतने सारे नाम बेसिकली वैसे पूछे नहीं जाते हैं, आप केवल पुरुष एकल और महिला एकल के नाम को देखें और यहाँ पे अगर देश को देखते हैं तो भी आप मैक्सिमम पे अब जीतने की संभावना होती है, मतलब आप जवाब देने के हालत में हो जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध जीव विज्ञानी एवं किस पुरस्कार के विजेता सिडनी ब्रेनर का निधन हो गया है? तो जी हाँ, ये नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। आनुवंशिक कोड को समझने में मदद किया है उन्होंने और संयुक्त रूप से 2002 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जीव विज्ञानी सिडनी ब्रेनर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने संयुक्त रूप से अंग विकास के आनुवंशिक विनिमयन और क्रमादेशित कोशिका मृत्यु से संबंधित खोजों के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे ब्रेनर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र थे। अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। कल का जो सवाल था, अमेरिका द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के मुताबिक कितने वर्षों के बाद भारत सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा? यह सवाल पे थोड़ा सा बहुत सारे लोग लड़खड़ा गए, किसी ने 20 वर्ष बोला, किसी ने 30 वर्ष बोला, कुछ लोगों ने ही 40 वर्ष बोल पाए। सही है कि 40 वर्ष के बाद जो है यहाँ के जो मुस्लिम की जो है आबादी 33 करोड़ हो जाएगी और विश्व में भारत सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि 80% हिंदू 30% में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है।
हिंदू का भी जनसंख्या उतना ही बढ़ रहा है जितना मुस्लिमों का बढ़ रहा है, तो इसके लिए वो नहीं है। यहाँ सवाल जो था वो था कि वो कौन सा वक्त होगा, मतलब 2060 साल होगा, उस वक्त जो है पूरे विश्व में अगर मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा देश कौन होगा पूछा जाएगा, तो उसका जवाब भी भारत होगा, ना पाकिस्तान और जो मुस्लिम देशों का हम जिक्र करते हैं। तो चलिए आज के सवाल पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया जाता है? और मैं जानता हूं कि इस सवाल का जवाब आप अवश्य ही बड़े धैर्य के साथ, बड़े प्यार से, एकदम सटीक दे पाएंगे, यह विश्वास मुझे है। तो आपने समय दिया, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक चीज आपको फिर से याद दिलाऊंगा कि देखिए यहां जो लिंक है उस लिंक में क्लिक करते हैं तो करंट अफेयर्स का जो लिंक आपको मिला हुआ है वो मेरे ऐप का लिंक है। उस लिंक से आप अगर रखते हैं अपने पास तो सारे करंट अफेयर्स आपके एक जगह इकट्ठे हुए मिलते हैं, जो आपको आगे की तैयारी करने में भी मदद मिलता है। पीडीएफ फाइल भी वहां पे अलग से रखा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें मॉक टेस्ट देने की सुविधा है जो 100% फ्री है, जिससे आप अपने तैयारी में एक कदम आगे और बढ़ा सकते हैं। तो आपने समय दिया, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।